तो बेसिकली लूज मोशंस का सीधा सीधा संबंध पेट की पाचन क्रिया से है। जब इन्फेक्शन या कोई भी कारण से पेट का पाचन गड़बड़ हो तो पानी की मात्रा जब रीअब्सॉर्ब नहीं होती, यानी कि बॉडी वापस नहीं ले सकता उपयुक्त मात्रा में, तो पानी ज़्यादा निकलता है स्टूल्स के रास्ते, उसे कहते हैं वॉटरी स्टूल्स लूज मोशन। इन्फेक्शन की वजह से या पाचन गड़बड़ होने की वजह से मोशंस कभी कभी, ये देखिए, सेमी सॉलिड टू वॉटरी, मतलब यानी कि लूज टाइप रहते हैं और ये एकदम वॉटरी। तो ब्रिस्टल स्टूल चार्ट है दोस्तों, सेल्फी कैमरा की वजह से ये उल्टा दिख रहा है। टाइप 4 नॉर्मल स्टूल्स है, ब्रिस्टल स्टूल चार्ट के हिसाब से एक डायग्राम है मैं समझा रहा हूँ। टाइप 5 और 6 सॉफ्ट विथ क्लियर कट एजेस और मशी कंसिस्टेंसी, यानी कि मिक्स टाइप का सॉलिड और लिक्विड के बीच, और ये है बिल्कुल वॉटरी स्टूल। इसके लिए सबसे पहले आपको कारण ढूंढना है, स्टूल रूटीन टेस्ट करना है, बेसिक पैरामीटर्स देखने हैं। इन्फेक्शन या सूजन है, कोलाइटिस है तो उसका इलाज कीजिए और प्रोबायोटिक्स खाइए, और डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक की जरूरत है एंटीबायोटिक लीजिए। पानी की मात्रा कम मत पीजिए, जस्ट बिकॉज वाटरी स्टूल निकल रहा है करके पानी की मात्रा कम नहीं पीना है, बराबर से बॉडी में पानी की मात्रा होनी चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ। और लूज मोशंस के लिए एंटीबायोटिक, प्रोबायोटिक और प्रिवेंटिव मेडिसिन रहते हैं, डॉक्टर से पूछ के इसका इलाज करेंगे। थैंक यू सर।